जिस दिन इस चीज की समझ आ जाएगी कि संविधान क्या है, जो व्यक्ति उसे पढ़ लेगा, इस देश की व्यवस्था को समझ लेगा, वो इन आरएसएस वालों के विरोध में खड़ा होगा, संविधान के विरोध में बात नहीं करेगा। यही तो दिक्कत हो रही है कि कोई समझता नहीं है, बात को इधर से उधर ले जा रहे हैं। लड़ाई जहां पर है, चिड़िया की आंख नजर नहीं आती, चिड़िया की आंख जो नजर आ रही है उस पर नजर रखो, सिर्फ उसी को खत्म करना। और एक बात ईवीएम के विषय में मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम के विषय में सबूत नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर देखें, द क्विंट ने जो रिपोर्ट दी है उसे जाकर देखें, जो रिपोर्ट ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बताते हैं 373 लोकसभा क्षेत्रों पर 8000 से लेकर 18000 वोटे ज्यादा है। कहां से आई है ज्यादा वोटे? इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत है आपको ईवीएम के लिए? ये सारी की सारी चीजें समझने की जरूरत है। ईवीएम के माध्यम से पूरा बूथ नहीं, पूरा इलेक्शन लूट लिया गया, और आप अभी कह रहे हैं कि ईवीएम कुछ नहीं है। पहले ईवीएम खत्म करोगे तभी तो बैलेट पेपर लाओगे, अगर ईवीएम सही है तो फिर बैलेट पेपर की क्या जरूरत है? कुछ चीजों को समझो भाई मेरे, लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। और एक मिनट रुक जाओ, माइक सही करने दो, अरे माइक सही कर इसे। हेलो हेलो, सही कर इसे, ऐसे सही करके रख, नहीं तेरा भी मोदी जैसा हाल हो जाएगा किसे दे। अजय इसे बहुत कुछ बना दे। देखिए साथियों, दिक्कतें सब हमारे सामने हैं, हम सारे जागरूक साथी इन सारी चीजों को समझते, लेकिन अब यह है कि इन दिक्कतों से हम निजात कैसे पाए, इनसे हम छुटकारा कैसे पाए। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये दिक्कतें दिन 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 प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। अभी माननीय मंत्री जी कह के गए कि जो पद हैं, यानी एमएलए एमपी मंत्रीशिप जो भी हैं, ये तो आती जाती है, चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी। लेकिन दुख की बात यह है कि यही लोग जब बैठे हुए होते हैं तब क्या दिक्कतें होती हैं, ये सरकार में रहते हुए भी उन सारी चीजों को समझते नहीं। ये दिक्कतें हमारे सामने लगातार आ रही, क्या कोई नहीं जानता कि बहन बेटियों के साथ में बदतमीजी हो रही है, लगातार मॉब लिंचिंग लगातार हो रही है, हत्याएं लगातार हो रही हैं, और अब तो इतना बुरा हाल होने वाला है। पीछे ही सरकार ने देखा आपने, 9 लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर यूपीएससी के बिना ही इन्होंने अपॉइंट कर दिया, और अब और करने जा रहे हैं 400 लोगों को। सो मतलब जो आरएसएस के लोग हैं, जहां उन्हें फिट करना है वो लगातार उनको फिट करते चले जा रहे हैं, और हम लोग केवल छोटी छोटी बातों पर उलझे हैं। इन नेताओं को छोड़ क्यों नहीं देते हम? ये एमएलए एमपी किसी काम के होते तो आंदोलन में यहां होते, ये वहां नहीं बैठे होते। मैं बार बार कहता हूं इस बात को, बहुत साथी इस बात को कहते हैं, ये किसी काम के नहीं है, इनका भरोसा छोड़ो, ये समाज के लिए कुछ ना किया है ना कर सकते हैं। समाज के भीतर से जो लोग हैं उनको बाहर लाओ, उन लोगों को नेतृत्व करना चाहिए, उन लोगों को आगे आना चाहिए, अन्यथा हम इसी चक्कर में लगातार मारे जाते रहेंगे। ये सारे के सारे बैठे थे 131 एमएलए एमपी लोकसभा में, और राज्यसभा में भी एससी एसटी के कम से कम 20-25 एमपी थे। जब ये 10% का आरक्षण का बिल पास हुआ सारे वही तो थे, 300 के लगभग वो जो वोटें हैं उसके पक्ष में पड़ी, 297 या 300। अगर ये सारे विरोध में देते तो 2/3 नहीं होता और वो बिल वही गिर गया होता, लेकिन कोई नहीं बोला, सिर्फ 2-3 लोगों को छोड़ के कोई भी नहीं बोला। इसलिए मेरा आपसे कहना है, इनका भरोसा छोड़कर अपने आप अपने अंदर से वो जज्बा पैदा करो, लीडरशिप करने की क्वालिटी पैदा करो, अपने बीच से लोगों को लाओ, अन्यथा ये सारे के सारे अपराध इसी तरह से होते रहेंगे, कोई रुकेगा नहीं साथियों। और इस देश को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जहां तक ईवीएम की बात है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, ईवीएम एक इतना बड़ा मुद्दा है जो लोगों की शायद अभी कल्पना में नहीं है। ये महामारी है, पहले कभी आपने सुना कि जैसे महामारी आती थी लाखों करोड़ों लोग मर जाते थे, ये वही महामारी है, और ये इस देश को बर्बाद कर देगी। अगर ईवीएम नहीं हटी तो आप कितने बड़े नेता बन जाओ, कितनी बड़ी पार्टियां बना लो, कितने बड़े गठबंधन बना लो, कितनी सामाजिक संस्था बना लो, कितना ही प्रचार कर लो जमीन पर, आपके सारे के सारे वोट ईवीएम के माध्यम से लूट के ले जाएंगे ये लोग, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं उस चीज को समझो, ये छोटी मोटी चीजें नहीं है, छोटी मोटी चीजें नहीं है। और इस मुद्दे पर
हर विपक्षी पार्टी को साथ में आना चाहिए। हमने यहाँ पे 13 तारीख को 13 जून को यहीं पे किया था, आदरणीय प्रोफेसर अस्पताल साहब, सूरजमंडल साहब, ये सारे साथी थे, यहीं पे किया था। उससे पहले हमने सारी पार्टियों से मिलने की कोशिश की, किसी ने टाइम नहीं दिया। लिखित में लेटर दिए हमने कि मिलने का समय दीजिए, ये सबका मुद्दा है, सबको इकट्ठा होकर साथ में आना पड़ेगा। आज तक उसका जवाब नहीं है, तो क्या करोगे इन पार्टियों का, इनके भरोसे बैठे रहोगे? ये लड़ाई तो इन्हीं को लड़नी चाहिए थी। अगर एक लड़ाई लड़ी गई और जीत ली गई, ये मोदी सरकार हटा दी गई, ईवीएम बंद कर दी गई और दोबारा बैलेट पेपर से इलेक्शन करा दिया गया, इसमें से बहुत सी गंदगी अपने आप ही साफ हो जानी, सारी गंदगी साफ हो जानी, इसी बात को मैं बार बार कहता हूँ। तो साथियों, मेरा आपसे यही कहना है कि कोई भी हमारे बीच में आके साथी हमें बरगलाने की कोशिश करे, उससे पूछो, बता भैया तू जिसकी बात कर रहा है, पढ़ा कितना है तूने, समझ कितनी है तुझे, कितनी जानकारी है तुझे, कितना बड़ा तू जो है संविधान का कहता है, पूछो उस आदमी से जो समस्याओं के विषय में दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश करता है, मोड़ने की कोशिश करता है, उससे पूछो, भाई तू बता दे तेरी जानकारी क्या है, तेरी जानकारी का स्रोत क्या है, तेरा ज्ञान का स्रोत क्या है। पता किसी को नहीं है और बेकार की बातें लोग करते हैं। मेरा आपसे निवेदन यह है साथियों, हर पल हर दिन ही अत्याचार होते हैं। जहां तक बहन बेटियों पर अत्याचार की बात है, मैं बार बार कहता हूं, मैं फौजदारी का वकील हूं, 25 साल से दिल्ली में वकालत कर रहा हूं। कोई कानून बना लेना आप, कोई भी कानून, इस देश का कोई कानून हमारी बहन बेटियों को रक्षा नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता, जो पूरे जो हाथ है इनसे बचा नहीं सकता। कौन बचा सकता? केवल हम बचा सकते हैं। जहां कोई भी हमारी बहन बेटी के साथ करे, सारे को पकड़ के लाओ, खड़ा करो बीच में जवान लड़की को। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, आप देखो इस देश में उदाहरण है, किसी जाट की बेटी के साथ में देखा कहीं कोई बदतमीजी हो जाए, करके दिखाए कोई? किसी ठाकुर की बेटी के साथ में देखा किसी ने? नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर तुम करोगे तो घर में से निकाल कर लाएंगे, चीर देंगे। यही हम करेंगे तभी ये कानून आपके साथ में खड़ा होगा। किस कानून की बात करते हो? सुप्रीम कोर्ट जब चाहे जैसे चाहे उस कानून को मोड़ देता। रोज कानून की हत्या होती है अदालत में, कुछ नहीं होता, सिर्फ हम जैसे चंद लोगों के लिए ये केवल चर्चा का एक विषय है और कुछ नहीं है। इसलिए मेरा आपसे कहना है साथियों, समझो चीजों को, प्रैक्टिकली देखो, अनुभव करो चीजों का मतलब क्या है, और उसके बाद अपना रास्ता तय करो, और अपनी छोटी छोटी बातों को भूल के सारे इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि दुख दर्द आप पे हमारा सबका एक ही है, आवाज इसके विरोध में उठा रहे हमारी सबकी एक ही है, मुद्दा हमारा सबका एक ही है, लड़ाई जो लड़नी है वो सब एक ही है, तो अलग अलग क्यों लड़ते हैं, इकट्ठा होकर लड़ते हैं। और जो भी साथी हमारे बीच में से कोई गद्दारी की बात करता, उसे चुपके से साइड में करो, भैया तू साइड में आ जाओ, और कुछ नहीं करेंगे, यही इलाज करना है और कुछ नहीं करना। आपने मुझे समय दिया, बुलाया, मैं आपका आभारी हूं। और एक चीज आपको और कहना चाहता हूं साथियों, 14 जुलाई को ईवीएम के विरोध में जो आंदोलन है वो पूरे देश भर में फैल चुका है, पूरे देश से लोग यही इसी जगह पर 14 जुलाई को आ रहे हैं। आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है, आइए, वो कोई मेरा मुद्दा नहीं है, प्रोफेसर सूरज मंडल साहब का मुद्दा नहीं है, प्रोफेसर रतनलाल जी का मुद्दा नहीं है, हम सबका मुद्दा है। किसी एक जाति का मुद्दा नहीं है, किसी एक धर्म का मुद्दा नहीं है, किसी एक संप्रदाय, गांव, शहर, व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, हर किसी का मुद्दा है। ये देश का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है और अपने अस्तित्व को बचाने का मुद्दा है, इसलिए सबका मुद्दा है। 14 जुलाई 2019 को आप सभी आइए, आपने समय दिया। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।